माननीय उपराष्ट्रपति जी व चेयरमैन राज्यसभा श्री वेंकैया नायडू जी का आभार और स्वागत, जिनसे संसदीय परंपराओं के आदर्श मूल्य रोज सीखने का सुअवसर मुझे मिला है। मेरे अनुरोध को स्वीकार कर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जीवनी पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में आकर आपने इस गरिमा को बढ़ाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खास तौर से अभिनंदन। अत्यंत व्यस्तताओं के बीच भी उदारतापूर्वक समय देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेरे राजनीतिक जीवन में जो स्नेह और प्रेरणा मिली उसके लिए कृतज्ञ हूँ, वह शब्दों से परे है। माननीय ओम बिड़ला जी का स्पीकर लोकसभा का स्वागत और आभार। इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अनुरोध स्वीकार करने के लिए, कम समय में संसदीय कामकाज की श्रेष्ठ परंपरा कायम करने के लिए भी। साथ ही राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाम नबी आजाद जी का स्वागत और मेरा आभार। राज्यसभा में आते ही उनकी तकरीर सुनकर सदन में कहा था, राजनीतिक गरिमाशालीनता के साथ विषय पर पूरी तैयारी के साथ जिस तरह से उच्च संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए अपनी बात कहते हैं, वह हम सब के लिए प्रेरणा का प्रतीक है और लंबे समय से वो चंद्रशेखर जी के पड़ोसी भी रहे हैं। साथ ही स्वागत आभार सभागार में उपस्थित माननीय मंत्रियों का, माननीय सांसदों का, अधिकारियों का, मीडिया बंधुओं का, चंद्रशेखर जी को चाहने वाले उपस्थित यहाँ आए सभी मित्रों का। मैं कहना चाहूँगा कि आज सुबह से लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार से अनेक ऐसे लोग आए, लगभग 300-400 लोग आए गेट पर किसी पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम के लिए खुद पहल करके चलकर आने के लिए। चूंकि जगह कम थी इसलिए उनसे भी मैं क्षमा यहाँ से चाहता हूँ, पर वो आए इसके लिए उनका भी आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पित होने वाली यह पुस्तक चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की अंग्रेजी में पहली जीवनी है, एक तरह से उनकी वैचारिक यात्रा का विवरण। इस पुस्तक पर हमने लगभग 5 वर्षों तक काम किया। इस पुस्तक में मेरे साथ सहलेखक मेरे मित्र रवि दत्त बाजपेई जी हैं, जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय से भारत चीन संबंधों पर PhD कर रहे हैं, वह भी मौजूद हैं। यह पुस्तक क्यों लिखी? सिर्फ 2 दिनों पहले आदरणीय TN चतुर्वेदी जी का व्यक्तिगत पत्र मिला। मेरा व्यक्तिगत परिचय उनसे नहीं रहा, पर सार्वजनिक जीवन में रहने से उन्हें जानता हूँ। वह भारत सरकार के पूर्व CAG, कर्नाटक के गवर्नर, राज्यसभा सदस्य रहे हैं। उनकी विद्वता और ज्ञान की सुगंध दूर दूर है। उनके पत्र से महज 4 पंक्तियां हैं इस पुस्तक के लिखने के पीछे का मेरा मकसद है। आई एम राइटिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर एक्सलेंट बायोग्राफी ऑफ श्री चंद्रशेखर, पब्लिश्ड बाई रूपा पब्लिकेशंस। इट इज द फर्स्ट फुल लेंथ एनालिटिकल बायोग्राफी ऑफ हिज इन इंग्लिश। इट डज फुल जस्टिस टू हिम। श्री चंद्रशेखर इज ए मच मेलाइंड, misinterpreted and misunderstood person, both as a politician, as a human being. I do hope it's translated into Hindi and some other Indian languages. His political thinking, as well as his actions as Prime Minister, as well as early times, was motivated only by the national interest and the good of the common people. That he achieved so much without compromising his principles, having risen from humble beginnings, is indeed remarkable. You have well brought out his qualities of head and heart. He was a far-seeing person with values and principles of his own. His thinking was rooted in ground realities. He was a well-read person but would not make a show of it. He always gave credit where it was due. Mani Chaturvedi ji ka patr ka ya arambhik ansh hai. Wah is umr mein khud aaye hain. Main unka abhar vyakt karta hoon. Chandrasekhar ji se jude anek मिथ कुप्रचार जो इस उनके जीवन में रहे, जिनके बारे में उन्होंने अपनी गरिमा के अनुकूल जीते जी कभी कुछ नहीं कहा, उनका सच इस पुस्तक में है। जानबूझकर की किताब के बारे में कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि यह खुद आत्मविवेचन होगा। जो कुछ चंद्रशेखर जी के बारे में कहना था वह किताब में है। चंद्रशेखर स्मृति दिवस पर 7 जुलाई को, जो 8 जुलाई को होता है, बनारस के काशी विद्यापीठ में कार्यक्रम था जिसमें उपस्थित था। 55 वर्षों तक उनके साथ ही रहे ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इस पुस्तक में बहुत मदद की। चंद्रशेखर जी का एक बड़ा प्रिय शेर सुनाया जो उनके व्यक्तित्व की झलक है। अकेला हूँ तो क्या, आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोएगी सामे तन्हाई मेरे जाने के बाद। मैं खुद गवाह रहा हूँ। भारत यात्रा केंद्र को मैंने बंजर देखा। जिस गाँव से हूँ सिताब दियारा, उसको बिल्कुल दियारे की जगह कीचड़ में खड़े होकर निर्माण करते देखा। जन सहयोग के आधार पर इस तरह के अनेक कार्यक्रम उन्होंने किए और भारत यात्रा जो की थी उसके जो 5 मुद्दे थे उसमें जल संग्रह था,
घोषणा, पोषण मुक्त आहार, प्राथमिक शिक्षा, दलित आदिवासी सम्मान, सामाजिक सद्भाव, यह उस वक्त उनकी दृष्टि थी। आप यहाँ उपस्थित एक एक सज्जनों के प्रति पुनः मेरा धन्यवाद। अंत में पुनः एक बार माननीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्पीकर लोकसभा, माननीय नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के प्रति पुनः मेरा व्यक्तिगत निजी आभार और धन्यवाद। आपके आने से चंद्रशेखर जी की स्मृति और व्यक्तित्व के दस्तावेजीकरण की कोशिश और सार्थक हो गई है। आपके विचार सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।